गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने वाले वो पहले प्रत्याशी हो गए हैं। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय सिंह को 1935 मतों से पराजित किया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी को 11,154 वोट जबकि अजय सिंह को 9,219 वोट मिले। चुनाव का फैसला दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद हुआ। इस दौरान 16 में से 14 प्रत्याशी परिणाम की दौड़ से एलिमिनेट होते गए। अटेवा से निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव ने 4,529 मत हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। चौथे स्थान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश कुमार यादव रहे, उन्हें 2,667 वोट मिले। मतगणना संपन्न होने के बाद मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नालिकर ने विजयी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। आपको बता दें कि पहले राउंड में ही अजय सिंह ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी पर बढ़त बनाई थी, लेकिन अंतिम प्रत्याशी के मतों की गणना में ध्रुव त्रिपाठी ने एक बार फिर बढ़त बनाकर जीत का अंतर भी बढ़ा लिया। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अजय सिंह के मतों के द्वितीय वरीयता की गिनती भी कराई गई। करीब 22 घंटे तक चली मतगणना के दौरान अधिकतर समय तक मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट्स एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव व एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह शिक्षकों की जीत है और शिक्षक विरोधी ताकतें परास्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रणनीति बनाकर शिक्षकों के हित में काम करूंगा। वित्त विहीन शिक्षकों एवं नई पेंशन योजना के तहत नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन एवं पुरानी पेंशन दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी ने सभी शिक्षकों को मेडिकल सुविधा दिलाने की बात भी कही और सभी को शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा, जितने मेरे इलेक्शन एजेंट भैया उठा के सटाऊनी है। अरे जब वो आप कहेंगे तब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ केवल आप और आपकी ही बात नहीं है, किसी और के भी वो भी सही कर रहे हैं, किसी और प्रत्याशी के भी। जिंदाबाद 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 शिक्षक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए बैठिए। पहली बार वोट किया उसे वीडियो तो घुमा के भूलिया जाता। आज का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और यह शिक्षकों की इस गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र की सबसे ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि आज तक के स्नातक और शिक्षक किसी सीट से कोई लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित नहीं हुआ। गोरखपुर के शिक्षकों ने, इस क्षेत्र के शिक्षकों ने एक इतिहास रचा और पूरे प्रदेश और देश के शिक्षकों में एक संदेश जाएगा कि किसी को संघर्ष चुनौती को स्वीकार करने की यदि क्षमता है तो गोरखपुर और फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र के शिक्षकों के बीच के पास है और उसका अनुकरण करके शिक्षक समुदाय के हित के लिए सब लोग एकजुट होकर के आगे की रणनीति बना करके सभी शिक्षकों को, सभी स्तर के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन और चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के लिए एक निर्णायक संघर्ष करने की रणनीति बनाने के लिए आज का शिक्षक समुदाय अपने इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे विश्वास है
कि आने वाले दिनों में एक ऐसा संघर्ष होगा जिससे इस प्रदेश के शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहार अन्याय किया जा रहा है उससे निजात मिलेगी और जो शिक्षकों के साथ जो है दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मैं यहाँ के सभी एक एक शिक्षक मतदाताओं को, सभी शिक्षिका बहनों को और सारे अपने माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मैं ऋणी हूँ कि जिन्होंने अपना यह चुनाव मान करके, अपने प्रिय संगठन का चुनाव मान करके अहर्निश प्रयास करके और संगठन की गरिमा को बचाए रखा, शिक्षक समुदाय के एकता का जो संदेश इस देश और प्रदेश की सरकारों को गया वह ऐतिहासिक है।